उनके कार्य विस्तार और प्राथमिकताओं जैसे जरूरी मुद्दों पर बात की HNN संवाददाता अस्करी जाफरी ने। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी की प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और धर्मपुर विधानसभा से विजय प्रत्याशी विनोद चमोली जी और वर्तमान में देहरादून के मेयर भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की आप हर्षोल्लास देख रहे हैं, किस तरह खुशी का माहौल इस वक्त? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है और आप देख रहे हैं, कल भी आपने प्रदेश कार्यालय का आलम देखा है, आपने मतदान जहाँ पर मतगणना हो रही थी उसका माहौल भी देखा, आज भी आप देख रहे हैं कार्यकर्ता उत्साह में है। और निश्चित तौर पर उत्साह क्यों ना हो, 57 सीटें प्रदेश के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मिली है, बड़ा उत्साह है। जी सर, बिल्कुल उत्साह होना लाजमी है क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ आपकी गवर्नमेंट उत्तराखंड में आई है, पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि हमेशा बैसाखियों के सारे सरकारें चलती आई हैं। सर, अगर बात करें कार्य विस्तार की, अभी वक्त में हालिया वक्त में आप देहरादून के मेयर हैं और आप विधायक भी हैं, विधायक का आपको मिल जाएगा कार्यभार, तो किस तरीके से दोनों कार्यभार को आप संभालेंगे? देखिए, मैं देहरादून में तो ऑलरेडी काम कर ही रहा हूँ, जिसमें धर्मपुर विधानसभा के 11 वार्ड पहले से मौजूद हैं, थोड़ा बहुत क्षेत्र बढ़ता है, तो कुल मिला के दोनों जिम्मेदारी निभाएंगे और बखूबी निभाएंगे, बल्कि एक दूसरे से लाभ मिलेगा, विधायकी का लाभ भी उस विधानसभा को मिलेगा तो उसमें मेयर का लाभ भी उसको मिलने जा रहा है। सर, जब चुनाव चल रहा था सबसे एक टिपिकल सीट ये मानी जा रही थी, दिनेश अग्रवाल जो कांग्रेस से आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं बहुत मजबूत आपके सामने माना जा रहा था, दोनों एक बराबर के नेता वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, कहीं आपको चुनाव के दौरान थोड़ा बहुत कुछ झिझक महसूस हुई है? झिझक इसलिए नहीं हुई कि मेरा 5वां चुनाव था, मैं लगातार कई चुनाव लड़ा हूँ और देहरादून की जनता पर मुझे इतना विश्वास है कि इन्होंने कभी मुझे हारने नहीं दिया है। मैंने बहुत, मेरे पास पैसा भी नहीं होता है, धनबल के सामने मैंने चुनाव लड़ा, बाहुबल के सामने मैंने चुनाव लड़े, लेकिन जनता ने मेरा चुनाव अपने हाथ में लिया और हमेशा पार लगाया, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। बहरहाल, ये थे हमारे साथ देहरादून के महापौर वर्तमान में धर्मपुर से विजय प्रत्याशी विनय चमोली जी, जिनका कहना है कि पार्टी को तय करना है कि उनका प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा। कैमरा पर्सन मेरू उपाध्याय के साथ मैं अस्करी जाफरी, HNN 24/7। जहां एक तरफ जीत का जश्न मनाने सभी दिग्गज प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो वहीं कैंट विधानसभा से 9वीं बार अपनी जीत का परचम लहराकर पहली बार प्रदेश कार्यालय पहुंचे हरबंस कपूर से जानने की कोशिश की गई कि क्या वे भी सीएम पद की दौड़ में हैं। कुछ इन्हीं जरूरत मुद्दों पर हरबंस कपूर से सीधे बात की HNN संवाददाता अस्करी जाफरी। हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, जिन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र से 9वीं बार इलेक्शन जीता है और एक कीर्तिमान स्थापित किया है। कोई भी दिग्गज उनके सामने आ जाए किसी पार्टी का, वो हमेशा वहाँ से विजय रहे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि एक अद्भुत जीत वहाँ से इस बार भी हुई है? प्रदेशवासियों ने बहुत दिल खोल कर पूरा आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि जिस रूप से उन्हें आशीर्वाद मिले उसी रूप से हमें उसकी प्रतिपूर्ति करनी है, उस ऋण को हमने उतारना है। इस तरह का प्रचंड बहुमत प्रदेश में मिला है बीजेपी को, उस पर अब सीएम साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है। कौन कह रहा है? कांग्रेस की कमी रह गई। अब वो अपने विचार करें क्या कमियों को सुधारे, कमियां तो कई है, भू माफियों से, खनन माफियों से, शराब माफियों से नाता जोड़ा, उनके चारों तरफ जो घूम रहे थे, जो उनकी एक छाया बने हुए थे उनकी तरफ झांक कर देखे, जो बार बार उन्हें कहते रहे कि एक बार देख लो तुम्हारे दाएं कौन है, बाएं कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की है। तो प्रकृति का नियम है, वो अपना नियम। सर, जैसे कि अभी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और 9वीं बार जीतना मामूली बात नहीं होती है और आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, तो क्या सीएम पद की अगर बात की जाए तो क्या मैं उसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे हमने निभाया है और आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे, मेरा और कुछ नहीं। बहरहाल, ये थे हमारे साथ कैंट विधानसभा क्षेत्र से विजय प्रत्याशी हरबंस कपूर, जिन्होंने 9वीं बार इस बार इलेक्शन जीता है, जिनका कहना है कि सीएम पद के लिए मैं सिर्फ एक पार्टी कार्यकर्ता हूं और ये पार्टी हाईकमान को तय करना है कि प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ मैं अस्करी जाफरी, HNN 24/7। प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। इसी को लेकर जहां पूर्व सांसद